गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल ओके मापत। और आप देख रहे हैं आजू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो अत्रिका रहती है, वो शनाया का बर्थडे काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करती है, और उस बर्थडे सेलिब्रेशन में शनाया जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसका बर्थडे अभी तक किसी ने इस तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया रहता है। बात सेलिब्रेट के साथ इंपॉर्टेंस देने की थी, जो अत्रिका ने उसे इंपॉर्टेंस दी थी, तो शनाया काफ़ी ज़्यादा खुश थी। फिर अत्रिका उसे बोलती है कि हमें घूमने जाना है, आप लोग डिसाइड करें। और वो घूमने भी जाने के लिए प्लान के लिए वो ऋषिकेश डिसाइड करती है, वो लोग ऋषिकेश जाएंगे। दूसरी तरफ जो ईरा रहती है वो तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं जलसी काफ़ी ज़्यादा होती है कि अत्रिका अब वक्त गुजार रही है शनाया के साथ, और जलसी के साथ इनसिक्योरिटी रहती है कि अत्रिका कहीं चली ना जाए चुपचाप शनाया के पास, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टाइम नहीं दे पा रही रहती है। इसलिए वो ये डिसाइड करती है कि वो ब्रेकफास्ट किसी भी हालत में उसके साथ करिए। अत्रिका भी इस बात पे एग्री करती है, और अत्रिका दोनों को मैनेज करते हुए ब्रेकफास्ट करती है। पर शनाया के साथ ब्रेकफास्ट करते हुए अत्रिका ईरा देख लेती है अत्रिका को, तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अब उसके आगे गुस्सा होते हुए चली जाती है। तभी वहाँ पे जो शनाया रहती है वो खड़े हुए देखती है कि अद्रिका मैम उसके पीछे भागी ईरा मैम को समझाने के लिए, लेकिन ईरा मैम गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं। तभी शनाया से पूछती है, मैम? तो अद्रिका बोलती है, यस शनाया। तो कहती है, मैम व्हाट हैपन, एवरीथिंग इज़ ओके? तो अद्रिका कहती है, एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, वो तो हमारे बीच में होता ही रहता है, यूजुअली चीज़ होती है। तभी शनाया एकदम से अत्रिका मैम का हाथ पकड़ती है, कहती, सॉरी, मैं हर बार आपका इस तरीके से हाथ पकड़ लेती हूँ, मुझे हक नहीं है, बट एक सवाल था मेरे मन में जो मैं आपसे पूछ सकती हूँ क्या? तो तभी ईरा अत्रिका बोलती, हाँ पूछो, क्या सवाल है? मैम, ट्रस्ट मी, कैन यू गिव मी द आंसर? दिस ऑल इज़ हैपनिंग ड्यू टू मी, मतलब ईरा मैम गुस्सा मेरी वजह से तो होकर नहीं गई है ना, मतलब आप दोनों के बीच में मैं तो नहीं आ रही ना। तो अत्रिका एकदम से शनाया के पास जाती है, उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, लिसन, नोबडी कम्स बिटवीन ऑफ एनीवन, ओके? जिसे आना होगा वो आ जाएगा बीच में, और जिसे नहीं आना है वो नहीं आएगा। आपकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, और आप ये मत रखो, कुछ अंडरस्टैंडिंग मुझे लेके चलनी पड़ेगी और कुछ अंडरस्टैंडिंग उसे लेके चलनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसे कहूँ तो हम दोनों के बीच में सबसे पहले अगर कोई आ रहा है तो उसका हस्बैंड आरफ आ रहा है, बट मैं उस चीज़ का इशू तो क्रिएट नहीं कर सकती ना। सो इट्स ऑल अबाउट द थिंग्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ईरा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, वो अंडरस्टैंड करेगी धीरे धीरे, सो डोंट टेक इट पर्सनली। चलो, ऐसे कह के जो अत्रिका होती है वो शनाया को लेके चली जाती है। वहाँ पे ओपीडीज रहती है, सब अपने काम में बिजी हो जाते हैं, लंच टाइम रहता है। तो अब अत्रिका को ऐसा लगता है कि यार अब वो भी यहाँ से शाम को एक्चुअल में चली जाएगी शादी के पर्पज़ के लिए, और यहाँ से जो अत्रिका है, मतलब नेक्स्ट डे जो हमारी अत्रिका है वो भी वीकेंड के लिए चली जाएगी। तो वो नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़ाई झगड़े में कोई जाए, क्योंकि दोनों का मूड ख़राब हो। इसलिए यहाँ पर जो हमारी अत्रिका रहती है वो कार को निकालती है, वो ड्राइव करते हुए जाती है उसके ऑफिस के नीचे, और पहले वो उसे कॉल करती है। तो एक बार कॉल करती है ईरा को तो ईरा फ़ोन नहीं उठाती, दो बार कॉल करती है तो भी ईरा फ़ोन नहीं उठाती। तब अत्रिका अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाती है और ऑफिस के वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो काफ़ी गुस्से में बैठी रहती है, और लंच टाइम चल रहा रहता है, एवरीवन वॉज रेसेस टाइम रहता है, कर रहे थे। तभी वो वहाँ से बोलती है, हेलो। तो कहती, मैम दिस इज़ अ रिसेस टाइम, आपको किसी से मिलना है तो आप बाद में मिल लीजिएगा, वो रिसेप्शनलिस्ट वहाँ पर कहती है। तभी वो कहती है, आई नो दिस इज़ रिसेस टाइम, कैन यू जस्ट पास अ वन मैसेज टू ईरा गुप्ता दैट दिस इज़ अत्रिका इज़ वेटिंग फॉर हर, बस आप इतना बोल दीजिए। तो कहती है, ओके मैम। तो यहाँ पर जो अत्रिका होती है वो अंदर जाती है, क्योंकि रिसेप्शनलिस्ट बोल देती है। तो वहाँ पर वो ईरा जो रहती है वो काफ़ी गुस्से में साइलेंटली वहाँ बैठी रहती है, और अपना गुस्से से बस खाने की तरफ देख रही रहती है, कुछ खा नहीं रही रहती है। और सौरभ उसे बोल रहा था, भाई खा लेना, खाने को देखेगी क्या, खाना ऐसी फट जाएगा, इतनी गर्म नज़रों से देख रही है। तभी अत्रिका उसके पास आती है, उसे बोलती है कि खाने को देख के वो अपने आप पेट में नहीं जाता है, उसके लिए अपने हाथों को आगे बढ़ा के लेना पड़ता है, तो आई थिंक तुम्हें खाना खाना चाहिए। तब ईरा बोलती है, नहीं मेरा मूड नहीं है।
तो अतिका बोलती है तो फिर हम बाहर चलें खाना खाने अगर आपका मूड हो तो। तभी वहां से सौरभ एकदम से खड़े होकर बोलता है, मेरा मूड है, मैं चलूँ आपके साथ। तभी अद्विका ऐसे देखती है, हाँ चल सकते हो आप भी, मुझे कोई इशू नहीं है। तो कहते, अरे आप भी मतलब क्या, छोड़ो ना इसे, ये किपोड़िंग इंसान है, इसके साथ क्या आप जाओगे, मैं चलता हूँ आपके साथ, इट विल बी अ नाइस, हे आई एम सौरभ, सौरभ वर्मा। अर्चिका मेहता, शायद हम एक दूसरे को जानते नहीं है। तो कहते, अरे जान और पहचान में क्या है, जब हम खाना खाएंगे एक दूसरे से बातें करेंगे, वी विल बी नो ईच अदर, प्लीज अलाउ मी। तो अर्चिका हीरा की तरफ देखती है, तो हीरा थोड़ा सा गुस्से में सौरभ की तरह देखती है। तब उसे समझ में आता है कि थोड़ी जेलसी वाला तो मोटिव आ रहा है, और यही एक चीज है जो अगर मैं करूँगी तो ये मेरे साथ चलने के लिए रेडी होगी। तो इसलिए वो उसे बोलते हैं, या श्योर चलते हैं, ठीक है कोई नहीं, मुझे तो लंच वैसे भी करना ही है, तो चलते हैं आपके साथ, कर लेती हूँ मैं लंच, एंड दैट विल बी नाइस। तो तभी सौरभ आगे बढ़ता, बोलते या श्योर, अब चलें चलते हैं। फिर ऐसे आगे बढ़ाता है, तभी हीरा एकदम से खड़े होती है और सौरभ का हाथ पकड़ती, क्या जा रहा है तू, कबाब में हड्डी, और तुम कहाँ किसके साथ जा रही हो। तो मैं वो कहती है, देखो तुम्हें भूख नहीं लगी है, आई कैन अंडरस्टैंड, बट मुझे और सौरभ को तो लगे, क्यों सौरभ, सौरभ कहता बहुत हंगरी हूँ यार, मैं तो बहुत भूखा हूँ, प्लीज चलता हूँ। तो तभी हीरा उसका हाथ एकदम से मसलते हुए कहती, हाँ हाँ मुझे पता है किस चीज़ के तुम भूखे हो, और बहुत ज्यादा भूखे हो, अभी चुपचाप यहीं बैठ, इससे पहले मेरा गुस्से का लेवल और हाई हो जाए, कर यहाँ पे मैनेजर को संभाल लेना, मैं जा रही हूँ। और तभी अत्रिका को हाथ पकड़ के बोलती है कि जाओ। तभी अत्रिका सौरभ की तरफ बाय बाय करते हुए बोलती है, तभी ईरा से बोलती, क्या बाय कर रही हो, तुम जानती हो उसे। तो कहती है कि अब तुम्हारा फ्रेंड है इसलिए मैं बाय कर रही थी। तो कहती, फ्रेंड है तो क्या सर पे बिठा के नाचोगी, चलो यहाँ पर। फिर ऐसे दोनों जाते हैं, फिर ईरा और अद्रिका वहाँ से दो नीचे उतरते हैं, फिर वहीं पर मतलब थोड़ा पास में कैफे रहता है, मतलब रेस्टोरेंट रहता है, वो लोग वहाँ जाते हैं और लंच कर रहे रहते हैं। ईरा अभी भी गुस्से के मूड में बैठी थी, तभी अद्रिका बोलती है, अभी भी गुस्सा हो, आई मीन हाँ तुम्हारे फ्रेंड को लेकर आना चाहिए था, वो तो कम से कम मूड तो सही करता अगर तुम्हें ऐसे गुस्से में ही खाना। तो कहती, तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें, तुम कहाँ थी, वो वाली अत्रिका कहाँ चली गई जो मेरे अलावा कभी किसी और को देखती नहीं थी और मुझे ही देखती थी, और अब तो तुम किसी को भी देख रही हो, अब तो मेरे फ्रेंड के ऊपर देख रही हो ऐसे। तो अत्रिका कहती है, अगर मैं तुम्हें नहीं देखती तो मैं शायद तुम्हारे लिए लंच पे आती नहीं, और तुम्हारा फ्रेंड को बोलना इसलिए ज़रूरी था ताकि तुम्हें जेलसी फील हो और तुम मेरे साथ यहाँ आओ, क्योंकि सीधी उंगली से घी निकल नहीं रहा था ना ईरा, इसलिए उंगली को टेढ़ा करना पड़ा मुझे। तब ईरा कहती है, अजिका आई एम सॉरी यार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बस मेरी एनजाइटी, मेरी पजेसिवनेस और मेरा इनसिक्योरिटी बिहेवियर इतना ज़्यादा हो जाता है कि शायद वो तुम्हें टॉक्सिक लगने लगता है। तभी अजिका कहती है, देखो हम जिस जगह पर हैं हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो तभी ईरा कहती, क्यों नहीं है फ्यूचर, हमारा हो सकता है, हम फ्यूचर बनाए तो क्यों नहीं है यार, मैं थोड़े टाइम के बाद आरफ से दूर होती हूँ, देन वी विल बी टुगेदर एंड गेम। तभी हीरा की बात सुन के अतिका कहती है, और आरफ से दूर होने की वजह सबको ये बताना है कि तुम एक लड़की से प्यार करती हो। देखो प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम एक लड़की से प्यार करती हो, प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी का भी तो सोचो, तुम्हारे मॉम डैड ऑल अबाउट द रेपुटेशन, अगर तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट पहले से ही था तो तुम्हें आरफ से शादी नहीं करनी चाहिए थी, और अगर अब तुमने आरफ से शादी करी है तो उस रिश्ते को निभाओ, इसलिए नहीं कि तुम उससे प्यार करती हो या क्या है, इसलिए रिश्ते से निभाओ क्योंकि एक अच्छा इंसान तुम्हारी लाइफ में आया है जो एक बहुत काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, दूसरे तुम्हारे मॉम एंड डैड की रेपुटेशन वो भी काफ़ी अच्छी है, दूसरी चीज़ इनसिक्योरिटी पजेसिवनेस ये सब नहीं होगा अगर तुम ये चीज़ एक्सेप्ट करोगी कि हमारे बीच में आगे जाके कोई फ्यूचर नहीं है, ये वो रिलेशन है जहाँ पर सिर्फ सुकून है और शांति है जो एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है।
अगर जहाँ अंडरस्टैंडिंग डगमगाए ये रिलेशनशिप टूट जाएगा। यहाँ इस रिलेशनशिप में हम दोनों ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है, तो ये बात तुम समझ के चलो। और दूसरी चीज़, आरव को डिवोर्स देने की मेरे ख्याल से कोई वैल्यू नहीं है। तो कहती है ना, बट मैं उसके साथ गलत कर रही हूँ, आई लव यू एंड मेरी फीलिंग्स तो एक लड़की के लिए है, तो एक लड़की के साथ शादी करके। तो कहती है तुम्हें पता है तुम लेस्बियन हो या बायसेक्सुअल, पहले तो तुम ये अंडरस्टैंड करो ना। अतिका ये बोलती है, तभी हीरा कहती है कि मैं तो लेस्बियन हूँ ना। तो अतिका स्माइल करते हुए और हाथ में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेते हुए और पीते हुए बोलती है, हीरा यू हैव टू एक्सप्लोर योर सेल्फ। पहले तुम्हें ये जानने की ज़रूरी है कि वॉट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। यूजुअली पीपल बाहर हैप्पीनेस तब ढूंढता है जो उसे लव अफेक्शन जो उसे एक्चुअली अपने पार्टनर के साथ चाहिए रहता है, अगर वो नहीं मिलता है तभी वो बाहर प्यार और ये सब ढूंढता है। व्हाई द मैरिड वुमेन्स फॉल्स इन द अफेयर्स, बिकॉज हस्बैंड इज नॉट एबल टू गिव दैम। वही एक चीज़ तुम्हारे साथ हुई है, जो लव अफेक्शन तुम्हें आरफ से नहीं मिला था, तब तुम्हें वही लव अफेक्शन मुझसे मिला। डजंट मैटर कि वो गर्ल है या बॉय है, मैटर इज ऑल अबाउट द फीलिंग्स, मैटर इज ऑल अबाउट नीड। अगर आपको नीड आपकी फुलफिल हो रही है हर इंसान से, तो वही होता है। सो दिस टाइम यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ, फाइंड आउट दैट यू आर कंफर्टेबल विद आरफ और नॉट। और माइंडसेट से मत करो, गो विद द फ्लो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है और हो जाएगा हर एक एक चीज़, तो वैसे ही करो, क्यों मतलब ऐसे सोचे कर रही हो। ठीक है, बस यही मुझे तुमसे कहना था। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, अतिका, ईरा बोलती है। तभी अतिका बोलती है, हाँ पूछो, तुम क्या चाहती हो? आई मीन तुम मेरे साथ फ्यूचर रखना नहीं चाहती क्या? अगर मैं आरफ को छोड़ने के लिए तैयार हूँ तो तुम मुझे एक्सेप्ट करके मुझसे शादी वगैरह करोगी, या तुम्हें डाउट है मेरे साथ शादी करने का? तभी अर्चिका कहती है, आई लव यू बट देयर इज अ वन थिंग इज मिसिंग। आई लव यू बट वहाँ पर जो सिक्योरिटी लेवल होता है ना जब तुम्हारे साथ आती है, तो वो चीज़ मुझे वहाँ पे डरा देती है। मतलब तुम ऐसी बंदी हो कि अगर मैं तुम्हें नहीं मिली या मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं रही तो तुम टूट जाओगी। और मैं तुम्हें स्ट्रांग इतना बनाना चाहती हूँ कि मैं रहूँ या ना रहूँ तुम अपनी लाइफ में स्ट्रांग रहो। तो मैं तुम्हारे साथ वो इनसिक्योरिटी वाला जो लेवल है तुम्हें फील होता है मेरे साथ रहकर भी, अगर वो चीज़ मैं शादी तुमसे कर लूँ और तुम्हारे साथ रहूँ, फिर भी तुम्हें इनसिक्योरिटी लाइफ टाइम तक मेरे साथ रहेगी कि मैं कभी किसी लड़की से बात कर रही हूँ या लड़के से बात कर रही हूँ, जो तुम्हारा नेचर है, जो ओवर पजेसिवनेस, वो चीज़ मुझे ट्रिगर करती है। और मैं अपनी लाइफ में एक्सप्लेनेशन किसी को देना नहीं चाहती हूँ। हर एक एक छोटी चीज़ के लिए मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती रहूँ और बोलती रहूँ कि रा ऐसा नहीं है। सो ये चीज़ मुझे अपने लाइफ पार्टनर में नहीं चाहिए। ट्रस्ट और फ्रीनेस चाहिए। तो अगर ये चीज़ तुम्हारे अगर तुम्हारे को छोड़ के भी आओगी तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट होगा तुम्हें एक्सेप्ट करना। एंड इसलिए तुम ये कुछ गलत कदम मत उठाओ। अतिका की ये बात सुन के ईरा को हर्ट हो जाता है और ईरा बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है। तभी अतिका कहती है, लिसन मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती हूँ। तो कहती है, तुमने हर्ट कर दिया है मुझे। मतलब प्यार में अगर थोड़ा सा पजेसिव होना या ये कुछ होने से अगर इतना प्रॉब्लम होता है तो मुझे नहीं पता था कि ये सब चीज़ें इतनी प्रॉब्लमैटिक होगी। तो कहती है, नो नो बेबी, इट्स नॉट अ प्रॉब्लमैटिक, इट्स जस्ट कि ये मुझे नहीं चाहिए। किसी लोगों को ये चीज़ अच्छी लगती होगी, किसी के लिए कुछ है, बट मेरे लिए ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती है लॉन्ग टर्म रिलेशंस के लिए। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं यही तुम्हें बोलती हूँ कि जो तुम्हारे पास रिलेशन है उसे तुम अच्छे से रखो, उसे किसी भी हालत में किसी के लिए भी
आप डिस्ट्रॉय मत करो, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हुआ तो वो बहुत गलत गंदा डिस्ट्रॉय होगा, और मैं नहीं चाहती कि वो एक डिस्ट्रॉय हो जाए किसी की भी वजह से। ओके एंड आई थिंक तुम्हें अब चलना चाहिए, मीन्स तुम्हारा लंच हो गया है और तुम्हारा ऑफिस का भी टाइम है, और शाम को तुम्हारी ट्रेन कितने बजे की है? तो वो कहती है 8 बजे की ट्रेन है। तो कहती है ओके, ऑफिस से कितने बजे निकल रही है? तो कहती है 5 o'clock पर मैं निकल जाऊँगी, आरफ आ रहा है मुझे लेने के लिए। तो कहती है ओके देन सी यू आफ्टर द वीकेंड, इन्जॉय एंड आई मिस यू। तब ईरा कहती है आई डोंट थिंक सो यू गोइंग टू मिस मी बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम्स विथ मी ऑफ माई। तो कहती है दिस इज अ जस्ट अ नेगेटिव ट्रेट, मत लो, ये तुम्हारी अच्छी चीज़ है बट मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। हाँ देखो, मैं यहाँ लंच पे तुम्हें इसलिए लेकर आई हूँ ताकि तुम अपना वीकेंड काफ़ी अच्छे से इंजॉय करो, ये शादी वगैरह में जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये डिस्ट्रॉय हो, और मुझे भी फ्रेश माइंड से अपना इंजॉय करने दो। लड़ झगड़ के हम सिर्फ और सिर्फ सिचुएशन ख़राब करेंगे, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव यू। ये बोल के अधिका बोलती है और ईरा वहाँ पर उसे हग करती है और वो कहती है मुझे किस करना है। तो अधिका कहती है अभी? तो कहती है हाँ। तो अधिका बोलती है ओके। तो ईरा जो होती है वो वहाँ से जारी रहती है, तो अधिका उसे ये बोलती है वॉशरूम। तो फिर ये दोनों वहाँ के वॉशरूम में जाते हैं और वहाँ पे लॉक करते हैं, और जो ईरा रहती बहुत पैशनेट तरीके से उसे वॉल से लगा कर एकदम पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रही है और बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गई है। वो बहुत डीपली तरीके से उसे किस करे जा रही रहती है, बहुत पागलों की तरह किस कर रही रहती है, बहुत पैशनेट तरीके से किस कर रही रहती है। और अतिका भी उसके किस को समझाती है, फिर से बोलती है थोड़ा सांस तो लेने दो। तो कहती है नहीं अभी नहीं, और फिर से वो दोनों किस करने लग जाते हैं। 5 से 10 मिनट किस करने के बाद अतिका और ईरा दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, और ईरा की किस में इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा दिख रही रहती है, और अतिका ये चीज़ फील कर चुकी रहती है। फिर वो उसे ऑफिस की तरफ छोड़ती है और जाने की तैयार होती है। शाम का 5-6 बजे का टाइम रहता है जहाँ पर वो अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है, अतरिका यहाँ से अपने काम में लग जाती है। अतरिका यहाँ से जाती है और वो अपने जो अपने मतलब जो उसका जो जितना भी पेंडिंग काम होता है बिकॉज छुट्टी का टाइम वो ले रही रहती है, वो सारे काम कराती है। तभी उसे शनाया का कॉल आता है और शनाया से बोलती है हे मैम। तो वो कहती है हेलो शनाया, व्हाट्स द न्यूज़? तो कहती है मैम आई जस्ट सेंड यू द 1 Excel sheet एंड विद द लॉट्स ऑफ डिटेल्स, तो और उसमें ना सारी होटल्स के लिंक भी मैंने ऐड करी है, आप उनमें से होटल्स देख लीजिए, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन वी विल मींस बुक दैट होटल्स। तो वह कहती है ओके मैं देख लेती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। तो कहती है मैम वो ना ऑफर चल रहा है, सो प्लीज़ बी फास्ट, जो रूम हमें 5000 का मिल रहा था वो अभी 2500 का मिल रहा है विथ टैक्सेस, और हम नहीं चाहते कि वो थोड़ा सा डिले हो जाए, प्लीज़। तो शनाया की बात सुन के बोलती है अद्रिका ओके ओके मैं देख लूँगी, ठीक है बाय। और ऐसे कह के जो अद्रिका होती है वो अपने कामों में लग जाती है, काम में काफ़ी लगने के बाद, बिजी होने के बाद थोड़ी देर के बाद वो सारी फाइल्स वगैरह ओपन करती है और चेक करती है, और उसको होटल्स भी सही लगते हैं तो वो 2 rooms बुक करती है, एक में 3 sitting of room करती है और एक में 2 sitting of room करती है, और ये पूरा बुक करके वो पूरा फाइनलाइज्ड कर देती है, और बुकिंग साइड डिटेल्स उसके पास आ जाती है। फिर वो ट्रेन के टिकट्स होती है वो बुक करती है, एसी टिकट से कंपार्टमेंट्स बुक करती है 5 persons के, और अब करके वो सब कुछ ऐसे रिकॉर्ड करने लग जाती है। फिर वो शनाया को कॉल करती है अधिका, और कहती है शनाया मैंने सब कुछ बुकिंग कर दी है, मैं तुम्हें डिटेल्स सेंड कर रही हूँ तुम देख लो, और वो डिटेल्स सेंड कर देती है। तभी सारी डिटेल्स जैसी ही आती है तो शनाया उसका पूरा फ्रेंड सर्कल वहाँ पे बैठा रहता है और वो बोलते हैं जल्दी खोल कौन सी होटल्स पे बुकिंग करी है, इतनी सारी दी थी और क्या मैम ने किया। तो ये लोग सब बहुत एक्साइटेड वे में देख रहे रहते। तभी वो कहते हैं 1 3-seater वाला रूम है और 1 2-seater वाला, वाह वाह।
तभी कहती है यार 3 सीटर 2 सीटर्स, तो कहती है हाँ सर। तभी अंशना कहती है ऑफकोर्स सही तो बुक किया है, हम 5 लोग हैं तो उस तरीके से उन्होंने बुक किया है ना, मैम तो इंटेलिजेंट है ही ना। तो वो कहती है कि तभी वहाँ से जो सब कुछ ये देखने के बाद चले जाते हैं। तभी उसकी फ्रेंड बोलती है 2 सीटर रूम है तो यू एंड अतिका वहाँ। तो कहती है ओ तू मुझे सपने मत दिखा, वो तो मैम पे डिपेंड करता है ना। तो कहती है आहा नाउ यू आर डैम एक्साइटेड। और कहती है आई डोंट नो, आई एम नॉट डैम एक्साइटेड, लेट जस्ट थिंक द होप्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। मैं आगे रिकॉर्ड करना चाहती थी बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस। तो अभी इतने से ही काम चलाइए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ यू लाइक माई स्टोरी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।